है। अंबा प्रसाद ने उस नाबालिग बच्ची का फोटो भी सार्वजनिक किया जो कि कानूनन जुर्म है। तो पूरे तरीके से ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा वाला एक इंसिडेंट था, इसको दूसरा मोड़ देने की वो कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और जिस तरीके का उनके द्वारा उस बच्ची को और उसकी माता को धमकाया गया है, मांग करते हैं झारखंड पुलिस से, झारखंड के महामहिम राज्यपाल से इस मुद्दे पर संज्ञान ले और विधायक महोदया पर कड़ी कार्रवाई करें। को कैसे हम सांप्रदायिकता के माहौल में सम्मिलित करें, कैसे हम समाज का ताना बाना को खत्म करें, ये भाजपा का फितरत रहा है और भाजपा की राजनीति इसी पर चलती है। हमें लगता है कि अगर वो बच्ची राखी बांधी है तो इसमें गलत क्या है। बड़कागांव का धर्मांतरण वाले मामले में बीजेपी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि बड़कागांव में युवतियों के धर्मांतरण के प्रयास को छुपाने के लिए विधायक अंबा प्रसाद ने जबरन उन लड़कियों से आरोपी लड़कों को राखी बंधवाई है। धर्मांतरण को शिकार बनाने से बचने वाली नाबालिग बच्ची साफ कह रही है कि विधायक ने जबरन दबाव डालकर उसे मुस्लिम युवक को राखी बांधने को मजबूर किया था। इसी पर कांग्रेस ने अपनी बचाव करते हुए कहा कि अगर वह बच्ची राखी बांधी है तो इसमें गलत क्या है, राखी के मूल भाजपा के नेता लोग नहीं समझते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने। को कैसे हम सांप्रदायिकता के माहौल में सम्मिलित करें, कैसे हम समाज का ताना बाना को खत्म करें, ये भाजपा का फितरत रहा है और भाजपा की राजनीति इसी पर चलती है। हमें लगता है कि अगर वो बच्ची राखी बांधी है तो इसमें गलत क्या है। राखी का मोल शायद भाजपा के नेताओं को पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये लोग तो जब देश के तिरंगा तक को बेचने का काम किया है तो राखी की का जो एक संबंध होता है उस संबंध को ये लोग कैसे जान पाएंगे। जो व्यक्ति देश का तिरंगा तक बिकवा दिया हो वो राखी के धागे का मोल समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कम से कम अपनी थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। कब तक आप धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे सांप्रदायिक वातावरण को आप खत्म करने का एक घृणित प्रयास करते रहोगे? नहीं, आने वाले समय में नहीं। आप देखें कि तिरंगा घोटाला तो अभी हो गया है। आप बड़ी बड़ी आंख दिखा करके चीन को सत्ता में आए थे, आज स्थिति क्या है? खादी को आपने छोड़ दिया, चीन से पॉलिएस्टर का कपड़ा मंगवा करके केंद्र की सरकार ने तिरंगा बनवाया, खादी क्यों भूल गए? ये बातें तो यक्ष प्रश्न है ना। खादी जो हमारा देश का अस्मिता है, केंद्र सरकार उस खादी को छोड़ दिया, उस खादी को भूल गया, चीन हमारे देश के अंदर घुस गया। मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया क्या, या भाजपा के कोई सांसद ट्वीट किए हैं क्या? तो भाजपा के सांसद राखी बांधने पर कमेंट कर सकते हैं, चीन के आगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये लोग राजनीति को दुकान समझ रहे हैं। 24 में पूरी तरह फ्लॉप, कुनबा खत्म, शटर डाउन भाजपा का। ये कितना बड़ा बेबुनियादी प्रश्न है उनका कि धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आप क्या करवा रहे हो? आप भी तो जबरदस्ती राष्ट्रभक्त बनने का प्रयास कर रहे हो। आप देखो कि इनके तिरंगे यात्रा का परिणाम क्या हुआ, 3 बच्ची जल करके मर गई इनके तिरंगा यात्रा के चक्कर में। माफी जेल की दीवारों को देख करके माफी मांगने वाले लोग, ये छद्म राष्ट्रभक्त के लोग, कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, आप लगाते रहो। राज्य की जनता इस बात को बखूबी समझती है और जानती है कि आपकी राजनीति कहाँ है और किस स्तर पे आप राजनीति कर रहे हो इस देश में। इस देश में राजनीति में नैतिकता और सुचिता दोनों को आपने जिस तरह बर्बाद किया ये भली भांति लोगों को जानकारी है। संसद भवन से चंद फलांग की दूरी पर संविधान की प्रतियाँ जलाई जाती है, भाजपा के नेताओं का एक शब्द आता है क्या? गांधी की प्रतिमा बना करके उनके सीने पर गोली दागा जाता है, भाजपा के लोगों ने एक शब्द कहा क्या? क्योंकि ये उनकी वोट नीति नहीं हो सकती। वोट नीति क्या है? तो धर्म के नाम पर लड़वाना, तो ये लड़वाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब लोग संजीदा हैं, इस राज्य की जनता काफ़ी गंभीर है, इनके किसी जुमले में अब फंसने वाली नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।